जालौन उत्तर प्रदेश के बैराई गांव में किसानों ने आज करीब 3 दर्जन से अधिक गायों को हांकते हुए कालपी के तहसील परिसर के उप जिलाधिकारी आवास के बाहर छोड़ दिया। वहीं किसानों ने कालपी उप जिलाधिकारी ज्ञापन सौंपते हुए गांव में गौशाला बनवाने जाने की मांग की। किसानों ने बताया कि यदि इस पर कार्यवाही नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। रणकेंद्र सिंह, यहाँ आप लोग गायों को लेकर के आए हैं, क्या मामला है पूरा? ये गांव गायें जो है अन्ना, हमारे गांव में जंगल गांव कौन सा है? बैराई गांव है, महवा ब्लॉक है, तहसील कालपी है। तो ये कई बार एप्लीकेशन दी गई तहसील दिवस में, हमारी कोनो गौशाला की सुनवाई नहीं रही और प्रधान जो है लेखपाल दो मिले हैं, ये जो है जीएस की जगह नहीं निकाल रहे हैं। कहूँ मतलब आप लोग यहाँ पे गायों को लेकर के आए, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है हमारे गाँव में सरकारी गौशाला बनना चाहिए। अभी तक गौशाला कोई नहीं बनी है वहाँ पे कोई गौशाला नहीं बनी। अगर गौशाला की हम लोगों ने प्रधान जी से बात की तो उन लोगों ने कहा चंदा जोड़ लिया, उसके बाद हम भी सहयोग करेंगे। और उसके बाद बोलने लगे आप जो महिला कोई सचिव हैं उनके खिलाफ एप्लीकेशन दे तो आपका पैसा आ जाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जो कि हम बैराई ग्राम के रहने वाले हैं। हमारा मतलब ये है कि सब लोग जो भी अभी हैं इसमें से किसी के घर में कोई नौकर पेशा वाला आदमी नहीं है, किसी के घर में सरकारी नौकरी नहीं है ज्यादातर, सभी किसान लोग हैं। और हम लोग इतने परेशान हैं कि आज की डेट में हमारे 2 खेत तो बिल्कुल खत्म हो गए हैं एकदम। हम लोग मेहनत कर करके ला रहे हैं। SDM साहब के यहाँ तहसील